नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वैल्यूएबल वीडियो में। क्या कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी एसयूवी जो तीन तीन सेगमेंट्स में आती हो, यानी कि ऐसी कौन सी एसयूवी जो पेट्रोल में भी आती हो, डीजल में भी आती हो और साथ में इलेक्ट्रिक में भी आती हो। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन की, जो कि आपको तीन तीन सेगमेंट्स में आपको मिल जाती है, पेट्रोल में आपको मिल जाती है, डीजल में आपको मिल जाती है और साथ में आपको इलेक्ट्रिक में भी मिल जाती है। और इसके साथ साथ ग्लोबल एनकैप में आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। इस गाड़ी में समय के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये जो आप जो मॉडल देख रहे हो, ये लेटेस्ट वर्जन नेक्सॉन का एग्जेड प्लस लक्स एस मॉडल है और इसमें आपको फुल्ली लोडेड ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऑटो प्राइम टाटा मोटर्स डीलरशिप पे, जो कि नियर भगत ही कोठी जोधपुर राजस्थान में मेन पाली रोड के पास लोकेटेड है। यहाँ का जो एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आपको नीचे स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी वहाँ की इनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। आज हम इस गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, इंटीरियर के बारे में जानेंगे, एक्सटीरियर के बारे में जानेंगे। ये गाड़ी आपको ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ मिलती है और इसमें आपको तीन तीन ड्राइविंग बोर्ड भी आपको मिल जाते हैं। सारी गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ में अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस गाड़ी के सारे डिटेल्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी चाबी मिलने वाली है। पीछे आपको ये टाटा का आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और ये आपके इसके चाबी पे आपको की पे फंक्शन मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। साथ में आपको जो है बूट ओपन का भी आपको इसमें मिल जाएगा, साथ में आप अपने इसमें सर्च लाइट भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी चाबी मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट्स में। तो फ्रंट में आप ऊपर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे वॉशर, यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाएंगे, ऑटो वाइपर्स हैं। और नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको बीच में जो है टाटा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा से पूरा का पूरा क्रोम फिनिशिंग है। और साथ में जो इसकी पूरी फ्रंट की ग्रिल है, ये पूरी की पूरी आपको जो है ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको मिलने वाली है। साथ में आप नीचे देखेंगे तो आपको ट्राई एरो का भी यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी हेडलैम्प की। तो पहले आपको बता दूं यहाँ पे आपको LED DLS मिलने वाली है और यही आपको साइड इंडिकेटर्स का भी आपको ये वर्क करती है, जो कि आपको ट्राई एरो निशान डिजाइन में ही आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको LED मिलने वाले हैं। साथ में आप नीचे देखेंगे तो यही आपको फॉग लैंप भी आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है साइड में। और साइड का सबसे बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि ड्राइविंग करते टाइम नाइट में भी आपको जो है काफ़ी सेफ्टी का फीचर ये मिल जाता है साइड में। कभी आपको कोई कई बार ऐसा भी होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन साइड के बारे में आपको साइड की तरफ आपको अंधेरे में दिखता नहीं है, लेकिन इसके इनके होने से ही जो है आपकी गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो काफ़ी सेफ हो जाती है। फॉग लैंप के साइड में देखेंगे तो आपको जो है सिल्वर लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो गाड़ी का जो लुक है फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव और सुंदर हो जाता है। नीचे आप आएंगे तो नीचे के ग्रिल में भी आप देखेंगे तो आपको हल्के हल्के ट्रायरों के डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं। चलिए अभी वो साइड में चल लेते हैं और गाड़ी के साइड में भी हम देख रहे थे गाड़ी की साइड में हमें क्या मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी की जो चौड़ाई है, गाड़ी आप आगे से देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है करीब आप मान के चलिए 1811 mm की आपको इसकी चौड़ाई आपको मिलने वाली है। साइड में चलते हैं तो गाड़ी की साइड का लुक आपको कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। अच्छा खासा आपको इसमें जो है व्हील बेस मिल जाता है, करीब 2498 mm का आपको मिल जाता है, 2498 mm का आपको इसमें अच्छा खासा आपको जो है आपको व्हील बेस मिल जाता है। वहीं अगर गाड़ी की अगर ओवरऑल हाइट की बात करें तो करीब 1606 mm की आपको ओवरऑल हाइट मिल जाती है। वहीं अगर बात करें गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की तो करीब 3993 mm, यानी 3993 mm की आपको ओवरऑल गाड़ी की लेंथ मिल जाती है। साइड में आप आएंगे तो आप यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ से शुरुआत करते हैं तो ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी। ऊपर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है सनरूफ भी आपको प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे आपको जो है ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको शार्क फेड एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। डोर की तरफ आप आएंगे हैंडल भी तो आपको बॉडी कलर में मिलने वाला, साथ में आपको इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाएगा, मतलब कीलेस एंट्री भी आपको इसमें प्रोवाइड की गई है। ओरियम्स की बात करेंगे तो आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में ही आपको जो है ओरियम मिलने वाला है, साथ में आपको इसमें जो टर्न इंडिकेटर भी आपको इसमें साथ में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको जो ये टायर साइज है इसमें आपको जो है टायर की जगह साइज देखेंगे तो 215/60R 16 इंच का आपको उसमें टायर मिलने वाला है, साथ में जो आपको जो डायमंड का टेलो व्हील्स आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। नीचे से आप देखेंगे तो गाड़ी कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है।
गाड़ी में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, यानी 209 यानी 209 mm का आपको अच्छा खासा इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। ब्रेक की बात करें तो आगे आपको डिस्क ब्रेक और पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। गाड़ी का अगर साइड का लुक देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको साइड का लुक आपको मिल जाएगा। साइड में आप देखेंगे तो आपको जो क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप एक बार वापस आप साइड का लुक आप देख सकते हैं। गाड़ी की जो डायमेंशन है वापस मेरे से, वैसे तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, लेकिन फिर भी आप अपनी स्क्रीन पर आप गाड़ी के जो डायमेंशन आप इजीली देख सकते हैं। चलिए एक बार आपको मैं रियर का लुक दिखा देता हूँ, रियर से गाड़ी देखने में कैसी लगती है। रियर से आप देखेंगे तो गाड़ी कुछ इस तरह से लगती है, काफ़ी एग्रेसिव लुक पीछे से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो हल्का से यहाँ पे आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहीं आप देखेंगे तो आपको डिफॉगर और आपको यहाँ पे वाइपर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बीच में टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा और ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरी पट्टी देखने को मिल जाएगी। नीचे आप बीच में आएंगे तो यहीं पे आपको बीच में कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको जो है यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। टेल लैंप्स देखेंगे तो आपको ट्रायरो शेप में ही आपको जो है यहाँ की टेल लैंप्स मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ये जो देख रही है आपको एलईडी मिलने वाला है, बाकी आपको इंडिकेटर और आपको टेल लैंप्स हैलोजन मिलने वाली है, कुछ इस तरह से आप देखने वाले। बीच में आप देखेंगे तो आपको क्रोम का भी आपको देखेंगे तो इसमें इस्तेमाल किया गया है। नीचे तरफ आप आएंगे तो आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, साथ में जो इसमें आप देखेंगे तो सिल्वर की कोटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे का जो बम्पर है आप देख सकते हैं कुछ इस ब्लैक कलर का मिलेगा, साथ में आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे। बीच बीच में आप देखेंगे ट्रायरो का भी आपको नीचे डिजाइन देखने को मिल जाएगी और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाइप इसकी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक आपको दिख जाएगा, एक बार फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताऊँ तो करीब 44 लीटर की आपको 44 लीटर्स की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। यहाँ से ये फ्यूल कैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको ओपन करके इसमें डीजल भरा सकते हैं। ये जो बेसिकली हम जो मॉडल देख रहे हैं एग्जेड जो टाटा नेक्सॉन का एग्जेड प्लस लक्स एस मॉडल देख रहे हैं, जो कि डीजल में मॉडल है ये, तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये डीजल का वेरिएंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, यहाँ भी बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, और यहाँ का जो आप देख सकते हैं ओरियम जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग में साइड इंडिकेटर के साथ में आपको ओरियम आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ लुक देखेंगे तो साइड का लुक आप इस तरीके से देख सकते हैं। इंटीरियर जाने से पहले एक बार इसके बूट ओपन करके देख देते हैं कि इसमें बूट में हमें कितना स्पेस मिलने वाला है। इसको आप चाहे तो इसको यहाँ से दबा के इजीली इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी आप इजीली इसको हैंडल को पकड़ के इसको वापस बंद कर सकते हैं। बूट देखेंगे तो आपको आप इस वाली जो कि टॉप वाला वेरियंट है, इसीलिए आपको इसमें जो है पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाएगी। इसमें इससे एक नीचे मॉडल और आता है जो कि इसमें आपको जो अगर आप सनरूफ नहीं लेना चाहते तो उसमें आपको बिना सनरूफ के भी आप सभी ये सब चीज़ें जो है आपको फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो करीब 350 लीटर की आपको अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। सीट की बात करें तो 60-40 का आपको रेशियो आपको सीट स्प्लिट हो जाएगी, मतलब आप 60-40 में मतलब अगर आपके पास दो या तीन जने हैं तो आप इजीली आधी सीट को उसको फोल्ड करके अपना सामान और कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, टूल किट भी आपको प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आपको ट्राइंगल मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पंचर किट आपको यहाँ दी गई है। तो अपना छोटा मोटे जो प्लास्टिक थैली वगैरह साथ में कैरी करो तो आप इजीली यहाँ पे हुक में इनमें यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है बूट में आपको एक लाइट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, रात के टाइम अगर आपको अपना सामान वगैरह रखना है तो आप इजीली इसमें आराम से सामान लोड कैरी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप रियर का लुक देख सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के और ईजिली आप गाड़ी को बोनट को जो पीछे बूट है इसको बंद कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप रियर का लुक आप देख सकते हैं। चलिए एक बार इंटीरियर में चल लेते हैं, इंटीरियर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप पीछे पैसेंजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलने वाला है। लेदर कोटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरी फिनिशिंग मिलने वाली है। बीच में आपको यहाँ पकड़ने के लिए जगह दी गई है, छोटा मोटा सिक्की आप कॉइंस वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिल जाएगा, जो ये हैंडल आपको पूरा क्रोम फिनिशिंग में ही मिलने वाला है। इस वाले मॉडल में टोटल आपको 8 स्पीकर्स और आपको साथ में ट्विटर्स भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक बॉटल होल्डर वगैरह थोड़ा सामान वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे जगह दी हुई है। पीछे की सीट्स की अगर दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ इसका केबिन स्पेशियस केबिन दिखाना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक में आपको दिया गया है डूल टोन इंटीरियर के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर दो एडजस्टेबल
आप इसमें जो हेडरेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे और साथ में आपको बीच में आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सीटें सारी की सारी वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलने वाली है चारों के चारों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाएगी और उसकी सीट बेल्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए एक बार बैठ के देखते हैं और बात करते हैं अंदर की स्पेस की। अंदर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल यहाँ मिल जाएगा और एक ग्रैब हैंडल ऊपर मिल जाएगा। साथ में यहाँ भी आपको देख सकते हैं ड्राइव का जो साथ में आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको पूरी फिनिशिंग मिलने वाली है। और नीचे आपको बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो एसी के वेंट्स आपको यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सॉकेट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अंदर पूरी पूरी लेदर सीट्स मिलेगी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप पीछे का देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगा, अपना सामान छोटा मोटा बैग वगैरह आप अपने यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हैं। फ्रंट पे देखेंगे तो ऊपर आपको जो सनरूफ आपको इसमें प्रोवाइड की गई है। फ्रंट का आप अगर देखेंगे इंटीरियर कुछ इस तरीके से आपको इंटीरियर इसका मिलने वाला है। चलिए एक बार फ्रंट में भी चलते हैं और फ्रंट में भी एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो आपको अंडर थाई सपोर्ट है, सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है। नी रूम भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें नी रूम आपको मिल जाएगा। और हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको हेडरूम मिलने वाला है। तो गाड़ी काफ़ी कम्फर्टेबल और एकदम स्पेशियस है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं फ्रंट पर चल के और फ्रंट में हम देखते हैं कि गाड़ी में हमें जो फ्रंट का इंटीरियर है हमें वो कैसा मिलने वाला है। उसके आगे फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह के साथ को इसका फ्रंट का डोर मिलने वाला है। मैं इंटीरियर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं ऑटो प्राइम टाटा मोटर्स डीलरशिप पे, जो कि नियर भगत ही कोठी जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। और ये जो मॉडल देख रहे हैं आप, ये आपको एग्जेट प्लस लक्स एस मॉडल है और जो कि डीजल में आपको ये देखने को मिलेगा। इसकी जो अगर आप एक्सशोरूम की प्राइस करें तो करीब 13,60,000 इसकी एक्सशोरूम प्राइस है और ऑन रोड ये आपको करीब 16,13,000 में आपको ऑन रोड ये जोधपुर राजस्थान में आपको मिल जाएगी। बाकी जो डिटेल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा और मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करके गाड़ी की डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो चलिए फ्रंट की शुरुआत करते हैं डोर की। तो फ्रंट में आपको सेम टू सेम वही हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे आपको लेदर की पूरी कोटिंग मिलेगी सॉफ्ट टच के साथ। यहाँ पे आपको पूरा जो है ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा मोटा सामान अपना यहाँ रख सकते हैं, उसमें इजिली पकड़ के इसको बंद और खोल सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको जो सिल्वर कोटिंग में पूरा सिल्वर में आपको ये पूरा हैंडल मिलने वाला है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, नीचे स्पीकर्स मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे ट्विटर भी आपको मिलने वाला है। ओरियम की जो कंट्रोल है आप यहाँ से इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सीट्स की बात करें तो फ्रंट की सीट्स आप देखेंगे तो काफ़ी अंडर थाई सपोर्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें अंडर थाई सपोर्ट मिल जाएगा। और बैकरेस्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी सीट आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सीट की बात करें तो चारों के चारों आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलने वाला है। इस प्राइस में इतने सारे फीचर्स, अभी तो फीचर्स बहुत सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन 16,00,000 में आपको इतने सारे फीचर्स वो भी एसयूवी में, वो भी 5-स्टार रेटिंग के साथ, और शायद ही और कोई गाड़ी में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीट बेल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 6 वे में आपको एडजस्टेबल आप अपने सीट को हिसाब से एडजस्ट, वेंटिलेशन अगर आपको करनी है तो आप इजीली जो है यहाँ से इसीलिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में जो सीट को आगे पीछे करने के लिए भी आप इजीली यहाँ से पकड़ के आगे पीछे अपने हाइट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। नीचे आपको जो तीनों ABC पैडल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो साथ में आपको बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ से आपको इसका लीवर मिल जाएगा। अपना छोटा मोटा सामान और कॉइन्स वगैरह आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको जो लेदर रैप्ड आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो मीडिया के सारे कंट्रोल जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम के वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। लीवर की बात करें तो हेडलैम्प्स वगैरह सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और वाइपर से सारे कंट्रोल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वाइपर्स आपको ऑटो जो है वाइपर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। फ्यूल लीड ओपन करने के लिए उसका लीवर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से इसको दबा के इसको ओपन इसको खींच के और अपना जो फ्यूल का ढक्कन ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अंदर बैठ के देख लेते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग में। तो स्टीयरिंग आपको इसमें टिल्ट स्टीयरिंग मिलने वाला, आप अपने हिसाब से इसको हाइट को अपने एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, टेलीस्कोपिक इसमें आपको फीचर नहीं मिलेगा। यही बात कर लेते हैं इसके जो है, यहाँ बीच में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा, साथ में अपने हॉर्न वगैरह बजाने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला। इसमें आपको 2 एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे, 1 एयरबैग आपको यहाँ मिलेगा और 1 एयरबैग आपको वहाँ पे आगे देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको इसमें ABS, EBD, ESC, सेंट्रल लॉकिंग, 2 एयरबैग आपको मिल जाएंगे, साइड इम्पैक्ट बीम आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा, साथ में ब्रेक असिस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। आईआरएम की बात करें तो आपको ऑटो आईआरएम आपको यहाँ पे मिलने वाला है और यहाँ पे आपको
जो है टिकट होल्डर आपको यहाँ मिल जाएगा वाइजर में, और यहाँ पे आपको एक मिरर आपको यहाँ पे दिया गया है। ऊपर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो आपको एक स्पीकर जो है बोलने के लिए माइक आपको यहाँ पे दिया गया है, और जो सनरूफ है आपके उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे आपको केबिन की लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि LED में आपको दी गई है। साथ ही बात करेंगे AC वेंट्स की, तो AC वेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरी की पूरी आपको क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ से बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में आप देखेंगे तो ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको यहाँ की पट्टी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे आपको नेक्सॉन की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच में आपको ट्रायरों के जो डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके वजह से इसका जो लुक है फ्रंट का काफ़ी शानदार और सुंदर आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो पूरा पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक आपको मिलने वाला है। नीचे आपको ऑटो AC मिल जाएगा, और अपने लॉक और लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, और साथ में आपको जो है बूट ओपन करने के लिए भी इसका स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको USB पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 12 वॉट का सॉकेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो 6 स्पीड मैनुअल गेट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तीन तीन मोड आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सिटी मोड में आप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इको मोड इसमें यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप जो है स्पोर्ट्स स्पोर्ट जो है मोड में भी आप चलाना चाहें तो इसको इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल आपको 3 मोड आपको इसमें चलाने के मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको पूरा पूरा ये आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा पूरा आर्म रेस्ट आपको मिल जाएगा जो कि लेदर एकदम सॉफ्ट लेदर रैप आपको मिल जाएगा। साथ में इसमें आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे और सब अपना सामान रखने के लिए यहाँ पे जगह दी हुई है। सीट्स आप देखेंगे तो पूरी भी वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलने वाली है। ग्लोव बॉक्स की बात कर ले तो आपको कूलेस्ट आपको जो है यहाँ का ग्लोव बॉक्स मिलने वाला है। छोटा मोटा अपना लैप टैब वगैरह आप अपने इजीली यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको मिलने वाला है। यहाँ भी आप देखेंगे तो अम्ब्रेला रखने के लिए भी आपको यहाँ पे जगह दी गई है। आप निशान देख सकते हैं अपना अम्ब्रेला वगैरह बॉटल वगैरह अपना यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल और अम्ब्रेला वगैरह आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको रियर का लुक मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें आपको एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले भी आपको इसमें मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके क्लस्टर की। कुछ इस तरीके से आपको इसका क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच में आपको MID मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको RPM का आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो है टायर प्रेशर का भी आपको इसमें दिया गया है कि आपकी गाड़ी में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी वो भी आपको देखेगा, कितना किलोमीटर चलेगी, कितना फ्यूल के क्या माइलेज आपको मिल रही है। यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी तो 12.5 का माइलेज इसमें फिलहाल अभी दिखा दी, जब गाड़ी चलेगी तो ऑटोमेटिकली इसमें माइलेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है गाड़ी का जो टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और ऑडोमीटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ के इसका क्लस्टर देख सकते हैं। वापस ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं, और बाकी आपको ये इंटीरियर आपको मिलने वाला है। चलिए एक बार चल लेते हैं इंजन की तरफ, और इंजन की तरफ बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। इंजन रूम की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका जो है इंजन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो है बोनेट के अंदर आपको यहाँ पे इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो है इंजन का साउंड जो है बहुत ही कम जो है अंदर पहुँचता है केबिन में। इंजन की बात कर लेते हैं, आपको इसमें ये डीजल वेरियंट आप देख रहे हो, इसलिए आपको ये जो डीजल वेरियंट आपको 1493 CC यानी 1493 CC का आपको इंजन मिल जाएगा 4 सिलेंडर के साथ में, जो कि आपको जो पावर देता है 113 BHP की, और वहीं आपको इसका टॉर्क जो है 260 Nm का आपको इसमें अच्छा खासा इसमें टॉर्क आपको मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो करीब 22 से 23 के आसपास का आपको इसमें जो है 23 km/L के आसपास का आपको इसमें माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसका इंजन रूम देख सकते हैं। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग की बात करें तो करीब इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 13,59,900 रुपये यानी करीब 13,60,000 इसकी एक्सशोरूम प्राइस आपको मिल जाएगी। वहीं अगर जोधपुर राजस्थान में अगर बात करें तो ऑन रोड आपको 16,13,215 रुपये आपको इसकी जो ऑन रोड कीमत जो है जोधपुर राजस्थान में मिलने वाली है। तो इसमें आपको जो है ये गाड़ी आपको कैसे लगी, ये वाइट कलर तो मुझे काफ़ी इसमें पसंद आ रहा है, और भी कोई अगर आपको कोई मनपसंद कलर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सेफ्टी में बात करें तो सेफ्टी में भी जो गाड़ी 5-स्टार रेटिंग के साथ ये ग्लोबल एनकैप में पास हुई है। साथ में सेफ्टी में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ABS ब्रेक असिस्ट ESC EBD हील असिस्ट सेंट्रल लॉकिंग 2 एयरबैग साइड इम्पैक्ट बीम ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कौन सी मनपसंद फेवरेट गाड़ी है आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर
एंड जय हिंद।